लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे भाई केशव लाल जी, आप अभी तक जुटे हुए हैं? आज भगवान कृष्ण का जन्म है, पूजा होगी। अरे भाई, काम भी तो एक किस्म की पूजा ही होती है बनारसी लाल जी। बस इस मूर्ति में रंग भर दूं तो छुट्टी कर लूं। कल मालिक को विदेश बहुत सी मूर्तियां भेजने की, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने उन्हें वादा किया है। पर अपना वादा तो याद है ना केशव भैया? कैसा वादा? लो कह दो, कुछ भी याद नहीं। अरे कुछ दिन पहले तो कहा था कि लड़का पैदा होगा तो दावत दोगे, पर केशव लाल के घर तो हीरा लाल कब का आ चुका है। पर एक तुम हो जो आज तक हमें सूखे पर ही टालते आ रहे हो। तो भैया आज का दिन बड़ा शुभ है, बस आज हो जाए। भगवान के बनाए हुए सभी दिन अच्छे होते हैं, लेकिन हम गरीबों के लिए पगार का दिन सबसे अच्छा होता है। उधर से पगार आई और इधर बस बस समझ गए। चल मनोहर, अपनी दाल से यहाँ गलने वाले नहीं है। चल चलो भाई मंदिर ही चल। हाँ चल छे बना सी, चल जल्दी चल, कहाँ फंस गए। अच्छा केशव भैया, राम राम। राम राम भैया। भगवान, तूने काफी मुरादों के बाद मेरे घर में एक छोटे से फूल को जन्म दिया है। हीरा नाम रखा है उसका हमने। अच्छा है ना भगवान? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण आठवें महीने में पैदा हुए, तेरा हीरा लाल भी आठवें महीने में पैदा हुआ। इसे अपने हाथ से काला टीका लगा दे, कहीं नजर ना लग जाए। तुम कहती हो तो लगा देती हो मौसी। ले अब इसे संभाल। आप तो बिल्कुल भीगे हुए हैं। पार्वती, आज इन आंखों ने जो देखा है वो मैं बता नहीं सकता। बात क्या है, कुछ बताइए तो सही। अनजाने में मुझसे एक बहुत बड़ा अनर्थ होता रहा है पार्वती। मालिक मेरे हाथों से बनाई हुई मूर्तियों को नहीं बल्कि उन मूर्तियों में छिपे हुए हीरे और जवाहरात विदेश भेजते रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ पार्वती, मैं सच कहता हूँ, मैं मूर्तियां नहीं रंगता रहा हूँ, अपने हाथों से अपने पापों को रंगता रहा हूँ। कल जब मेरा बेटा हीरा बड़ा हो जाएगा और उसे ये मालूम पड़ेगा कि उसके बाप ने क्या किया है तो वो क्या कहेगा पार्वती, तो क्या कहेगा? लेकिन इसमें आपका क्या दोष है? नहीं 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 पार्वती, मैं पुलिस को जाके कह दूंगा। Oh!
सबके साथ रहता है, मेरे जान को डराना नहीं। हाँ आजा बैठ जा, बैठ जा, आजा जा, पैर अंदर कर लो। आज देखना क्या होता है। अरे तू यहाँ, कोई खास बात? हमारा दुश्मन पुलिस कमिश्नर आज एक महीने की बीमारी के बाद ऑफिस जा रहा है। अरे धतूरे के बीच तेरी बहन का भाई क्या खबर सुनाई, अब बच नहीं सकता वो कसाई। आज नदी के पुल पर उसका सफाया है, तू यहीं ठहर, मैं भी आता हूँ। ए पन्ना, एक जरूरी काम आ गया है, तू अस्पताल चल, मैं तुझे वहीं आके मिलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं। अरे पगली, तू डरती क्यों है? मैं भगवान को तेरे साथ कर देता हूँ, ये ले इसको अपने साथ रख। चलो ड्राइवर। आज, आज। कमिश्नर राम सिंह, आज तुम रावण की मौत मरोगे। रुको रुको साहब। क्या बात भाई? सरकार हमारी मेम साहब के पूरे दिन है अस्पताल ले जा रहा था, गाड़ी खराब हो गई, तबीयत बहुत खराब है साहब। ड्राइवर मेम साहब को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाओ, हम पिछली गाड़ी में आते हैं। आइए प्लीज, आइए। अबे धतूरे के बीच तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई तो पन्ना कहाँ है? साहब कमिश्नर साहब जा रहे थे, वो उतर गए, उनकी गाड़ी में मेम साहब को भेज दिया। क्या? नहीं, क्या हुआ? लड़का हुआ है लेकिन उसकी तबीयत बहुत खराब है। भगवान, बेटी तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे पति का नाम क्या है? पन्ना का लाल।
एबीसीडी, दो रोटी में पेट नहीं भरता। आज तू पेट भर के खा ले, मैं व्रत रखता हूँ। कल तू व्रत रखना, मैं पेट भर के खा लूंगा। नहीं मित्र, नहीं, पंडित जटाशंकर महाराज कहते थे जो भी मिले बांट कर खाओ, इसलिए हम जो भी खाएंगे बांट कर खाएंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। अरे हीरालाल, बसंतपुर से एक आदमी आया है, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। बेटा, अच्छा हो गया तू आ गया। बेटा, जो बात आज तक तुझे नहीं बताई वही बताने के लिए तुझे बुलाया। बेटा, जब तू छोटा था तब तेरे माँ बाप को किसी हत्यारे ने मार डाला। मार डाला था? उन्हें किसने मारा बताओ दादी माँ, उन्हें किसने मारा? अगर मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ तो उसका बदला जरूर लूंगा, जरूर लूंगा। तू अकेला, छोटी सी जान, किससे बदला लेगा? हीरालाल अकेला नहीं है दादी माँ, उसके साथ उसका पन्नालाल भी है। बोलो, किसने मारा था हीरा के पिता को? रोशनी का बाप माधव, जो तेरे पिता के साथ काम करता था, शायद वो ही बता सकेगा। माधव को कहाँ है? बताओ ना दादी माँ, माधव को कहाँ है? बताओ ना। चलो आश्रम चले। नहीं, अब मेरे लिए इस सारी दुनिया अनाथ आश्रम होगी, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं इस दुनिया का चप्पा चप्पा ढूंढ डालूंगा और अपने माता पिता के खूनी को ढूंढ के उसकी जिपी जिपी कर दूंगा। अगर ये बात है हीरा, तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा पन्ना भी है। पन्ना? हीरा, पन्ना भी। हीरालाल पन्नालाल हाजिर हो। जय राम जी की। हीरालाल पन्नालाल। सर, ये तो दो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले आपने मुरलीन को कभी देखा नहीं? नहीं सरकार, इनके कारनामे तो कई बार सुने थे लेकिन दर्शनों का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी भवति भरत। गप? नहीं 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 नहीं, ये गप नहीं मारता। गप मतलब लाइज, नॉट राइट। ये झूठ बोलने वालों का करता है हुलिया टाइट। बकवास बंद करो। नॉट बकवास, आई एम बिल्कुल राइट। ये बदमाशों का चीपी चीपी करता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑर्डर। तुमको खामोश रहने का हुक्म दिया जाता है। हवलदार, इनको कटहरे में ले जाओ। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि मैं जो भी कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा और सच के सिवा और कुछ भी नहीं कहूंगा। What did it? UTC. पहले आप बुजुर्गवार वकील साहब के पास जाइए और कसम उनसे खिलवाइए। I object your honor. क्या आज तक अदालत में किसी वकील ने कसम खाई है? ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट के कायदे के अनुसार सिर्फ मुलजिमों और गवाहों को ही गीता पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ती है। अरे, इसका मतलब कि अदालत में केवल हम ही कसम खाकर सच बोलेंगे, बाकी सब झूठ बोलते रहेंगे। ऑर्डर ऑर्डर। इसका फैसला हम करेंगे, तुम्हें जो कहा गया है वही करो। हम कसम खाते हैं। हां तो योर ऑनर, ये दो मुलजिम जिन्हें मैं गलती से एक समझता था, सेठ धनी राम की
राशन की दुकान और दूध की दुकान पर काम करते थे। मुलजिम हीरालाल पब्लिक को ऐलानिया कहता था कि आपको 10 किलो अनाज के साथ 1 किलो कंकर और पत्थर भी खरीदने पड़ेंगे, इसलिए उन्हें मजबूर करता था कि 2 थैलियां लेकर आओ। क्यों ठीक है ना? इसलिए 1 थैली में अनाज और दूसरी थैली में कंकर और पत्थर भर दिया जाए। सर, इसके बाद सिर्फ एक ही और बचा है। बहुत बड़ा केस है, 6 चश्मे लाने चाहिए थे। इज्जत चलो चलो। और मुलजिम पन्नालाल बिल्कुल इसके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने ग्राहकों से कहता था कि 1 लीटर दूध खरीदने के साथ साथ 1.5 लीटर पानी भी खरीदना पड़ेगा, इसलिए 2 बर्तन लेकर आओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मुलजिम हीरालाल पन्नालाल, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है जत्ता। जत्ता साहब, सेठ जी ने हमसे कहा था कि 80 किलो अनाज के बोरे में से 10 किलो निकालकर 10 किलो कंकर भर दिया जाए। बिल्कुल झूठ है सरकार। तुम चुप रहो, आगे बोलो। अगर मैं अनाज में कंकर मिलाता तो हमारे भाई बहन सब बीमार हो जाते, इसलिए जत्ता साहब यू सी उन्हें बीमारी से बचाने के लिए और अनाज से कंकर निकालने की तकलीफ दूर करने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया है ताकि सेठ जी का कंकर अनाज के भाव बिके और मेरी नौकरी सलामत रहे। और जज साहब, मेरी तो राय यह है कि देश की जितनी भी राशन की दुकानें हैं वो सब यही तरीका अपना लें। क्यों इदी? मुलजिम पन्नालाल, तुम ग्राहकों को दूध और पानी अलग अलग लेने पे मजबूर करते थे। अवश्य करता था जज साहब, अवश्य। 1 लीटर दूध लेने वाले को 4.5 लीटर पानी लेना ही पड़ता था। क्यों भाई लाल? राइट पन्नालाल। देखा योर ऑनर, ये किस्सा जत्ता को धोखा देता रहूं। धोखा तो तब होता सरकार जब मैं दूध में पानी मिलाकर बेचता, जैसे कि सेठ जी ने आदेश दिया था। क्यों सेठ जी? बिल्कुल झूठ है हुजूर, मैंने तो कुछ नहीं कहा था हुजूर। आप खामोश रहिए, तुम आगे बढ़ो। सरकार, आप तो जानते हैं आजकल पानी ना उबाल के पीने से भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, और फिर हम यही पानी दूध में मिलाकर बच्चों को पिलाएं तो फिर उनके लिए ये अमृत नहीं विष बन जाता है। सरकार, पंडित जटाशंकर महाराज कह गए कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो फिर आप ही सोचिए मैं अपने हाथों से अपने भगवान को विष किस तरह पिला सकता हूँ। नहीं नहीं सरकार, ये सरासर इल्जाम है मुझ पर। आप खामोश रहिए, इसका फैसला अदालत करेगी। सारे बयान पे गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम हीरालाल पन्नालाल मुजरिम नहीं बल्कि मासूम है। असल मुजरिम वो है जो गरीबों को 2 वक्त की रोटी देकर उन्हें गलत काम करने पे मजबूर करते हैं, इसलिए अदालत हीरालाल पन्नालाल को बाइज्जत बरी करती है। धन्य हो जज साहब, धन्य हो, बच गई टांगे। और शेर धनीराम को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। राम लखन सीता सहित हृदय बसल सुर भूप सिया बल रामचंद्र की जय, अवन पुत हनुमान की जय हो सिया बल रामचंद्र की जय। बसन, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक दी? भाई पन्ना, कितने शहरों में धक्के खाए हम लोगों ने, लेकिन ना तो तेरे पिता का पता चला और ना मेरे माता पिता के जलील कातिल का। सब ठीक हो जाएगा हीरा, भगवान पे भरोसा रख। भगवान? अगर भगवान कहीं होता तो फिर दुनिया में ये जुल्म क्यों होते जो तू अपनी आंखों से देख रहा है? तू नहीं समझेगा, भगवान हमेशा इंसान की परीक्षा लेते हैं। लीजिए पंडित जी, आ गया आपका भगवान आपकी परीक्षा लेने। अब हम दोनों की GBTT होने वाली है, आपको लंच और मुझे डिनर समझकर खा जाएगा। चलो भागते हैं यहाँ से। अरे ठहर 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 तो सही, ठहर ठहर, देखते हैं कौन है। मैं भी देख के आता हूँ। कौन है? कौन है? शेर। हीरा, देख 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 देख, शेर कष्ट में है, देख कैसे तड़प रहा है। अरे चल जल्दी से भाग चले, नहीं तो दोनों तोड़ पेंगे। पंडित जटाशंकर महाराज कहा करते थे कि दुख में हर प्राणी की सहायता करनी चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर। ठीक है ठीक है, मैं दवा निकालता हूँ, मेडिकल बॉक्स शीघ्र ला। देख हीरा देख, इसके पाँव में इतना बड़ा कांटा लगा हुआ है। मैं भी निकालता हूँ। हाँ जय राम जी की, थोड़ी देर में आपको आराम आ जाएगा।
जरा हौसला रखिए शेर जी, थोड़ी देर में। क्या ना शेर बच्चे कभी नहीं रोते। पन्ना ये ले मेडिसिन, ले पिल गोली। महाराज ये लीजिए दर्द नाशक एस्प्रो की दो टिकिया, दर्द कम हो जाएगा। अरे मुंह खोलिए ना, खोलिए। और अगर फिर भी कम नहीं हुआ तो दो घंटे बाद फिर से खा लेना अगेन। ये लो महाराज, आगे हो चले। जयराम जी की, बाय बाय। चलो जयराम जी की। अबे चल जल्दी कर, जल्दी चल, देखता क्या है। सुबह होने से पहले दोनों गोदाम का माल रामपुर पहुंचना ही चाहिए। एक रात में इतना माल जाएगा कैसे? नहीं जाएगा तो ये समझ ले कि आज की रात हम लोग की जिंदगी की आखिरी रात होगी। अरे भाई हीरा, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। व्हाट व्हाट व्हाट? लोहे की फैक्ट्री। चलो अपना डंडा ठीक करा लेते हैं। ओहो बुला दिया, बुला दिया। चलो जय राम जी। अरे भाई पन्नालाल। हाँ भाई हीरालाल। लोहे की फैक्ट्री में गेहूं और चावल? सच? ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि अपना देश इतनी उन्नति कर गया है कि लोहे की फैक्ट्री में भी अनाज बन रहा है। क्या बात है। अरे अरे भाई काका सुनो। सुनिए। इस लोहे के कारखाने में गेहूं और चावल ही बनता है या कोई लोहे का सामान भी? कालो तुम लोग। यात्री है, हमारा डंडा टूट गया है, उसे जुड़वाने आए हैं। पकड़ो इन्हें, ये तो साले धैर्य वाले हैं। क्या? अरे वो तो जनता का दुश्मन था। आपको क्या, आप तो भले आदमी हैं, इस कारखाने वाले, आपको किस बात की चिंता? सोचिए। भाई पन्नालाल। हाँ भाई हीरालाल। ये लोग कारखाने वाले नहीं तो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, काला बाजारी, धनी राम की तरह। जग्गो लाद दे दोनों को गोनी के साथ ट्रक में। हीरा हीरा एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जाए ना बाबू शहर। जगो साले सोचते हैं कुएं में कूद कर बच जाएंगे, लेकिन दोनों साले की समाधि कुएं में ही बनने वाली। मालूम नहीं ससुरे मरे हैं कि नहीं। नहीं मरे तो ये ले। शट अप। तुम लोग मुझको बेवकूफ समझते हो? लोहे की फैक्ट्री में गेहूं और चावल बनते हैं? भांग पीकर आए हो क्या? अरे नो 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 नॉट राइट। तुम चलो चल के देखो साइड, नहीं तो वो 9 to 11 हो जाएंगे। अरे कौन? अरे वो अटेंशन अटेंशन है। अरे तुम मुझको हुक्म देता है? अवश्य अवश्य, ये अवश्य हुक्म देंगे। तुम जनता के सेवक हो और हम हैं जनता, हमारी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। जब पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती करने के जुर्म में मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूं। सिपाहियों जगतलाल, मगनलाल, हरिलाल, रमनलाल, रमनलाल, अरे है कोई भाई के लाल? भागो! जोर जोर हट। अरे अरे जाने नहीं पाए, अरे जाने नहीं पाए। क्या हुआ जिको? वो दोनों साले जिंदा है। क्या? और बहुत सारी पुलिस लेकर आ रहे हैं। पुलिस? हाँ पकड़ो पकड़ो। यही हम काला बाजारी, इन्हें पकड़ लो और कर दो इनकी GPGT। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब आपकी बंदूक, लेकिन माफ करना है अगर हम ये बंदूक लेकर भागते नहीं तो आप यहाँ नहीं आते और ये गुंडे रफू चक्कर हो जाते हैं। आई नो थैंक यू वेरी मच, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। वो तुम्हारा दूसरा जोड़ीदार किधर है? तो वो साहब वो हीरा वो। ए हीरा मैं भी आ रहा हूँ। ठहर तब। सीधे रस्ते
चलोगे तो ऐसा जमाना मिलेगा, सीधे रास्ते चलोगे तो ऐसा जमाना मिलेगा, हर झोपड़ी में बिरला और टाटा मिलेगा, अरे भाटा की दुकान में भी टाटा मिलेगा। क्यों भाई हीरो लाल, हाँ भाई पन्ना लाल, क्यों भाई हीरो लाल, हाँ भाई पन्ना लाल, सीधे रास्ते चलोगे तो ऐसा जमाना मिलेगा, हर झोपड़ी में बिरला और टाटा मिलेगा, अरे भाटा की दुकान में भी आटा मिलेगा। क्यों भाई पन्ना ला, हाँ भाई हीरा ला, क्यों भाई पन्ना ला, हाँ भाई हीरा ला। देखना तुम एक दिन यहाँ कोई मिलावट न होगी, खालिस मिले हर चीज भी धोखा बनावट न होगी, खोट नहीं झूठ नहीं पाप नहीं झूठ नहीं, बेईमानी करेगा तो घाटा मिलेगा। क्यों भाई हीरो लाल, हाँ भाई पन्ना लाल, क्यों भाई हीरो लाल, हाँ भाई पन्ना लाल, सीधे रास्ते चलोगे तो ऐसा जमाना मिलेगा, हर झोपड़ी में बिरला और टाटा मिलेगा, हर बाटा की दुकान में भी बाटा मिलेगा। क्यों भाई पन्ना लाल, हाँ भाई हीरा लाल, क्यों भाई पन्ना लाल, हाँ भाई हीरा लाल। के नेता फिरेंगे अकेले, उनके तो आगे पीछे ये चमचे न होंगे न चेले, चुरी नहीं चाकू नहीं चोर नहीं डाकू नहीं, हर जेल में तो सन्नाटा मिलेगा। क्यों भाई पन्ना ला, हाँ भाई हीरा ला, क्यों भाई पन्ना ला, हाँ भाई हीरा ला, सीधे रास्ते चलोगे तो ऐसा जमाना मिलेगा, हर झोपड़ी में बिरला और टाटा मिलेगा, हर भाटा की दुकान में भी आटा मिलेगा। क्यों भाई हीरो लाल, हाँ भाई पन्ना लाल, क्यों भाई हीरो लाल, हाँ भाई पन्ना लाल। हाय 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 हाय, फैशन फूटे करम, करम का नाम नहीं है, पलकों पे ऐनक लगी शर्म का नाम नहीं है, यहाँ नहीं प्यार का नाम कहीं नहीं, खाली हसीनों से टाटा मिलेगा। क्यों भाई हीरो लाल, हाँ भाई पन्ना लाल, क्यों भाई हीरो लाल, हाँ भाई पन्ना लाल, ए भाई सीधे रास्ते चलोगे तो ऐसा जमाना मिलेगा, हर झोपड़ी में बिरला और टाटा मिलेगा, हर टाटा की दुकान में भी आटा मिलेगा। क्यों भाई हीरा लाल, हाँ भाई पन्ना लाल, क्यों भाई हीरा लाल, हाँ भाई पन्ना लाल।
हमारा कोई कसूर नहीं, आपका हुक्म मिलते ही हम गोदाम का सारा माल खाली करवा रहे थे, लेकिन वो दोनों शनि के अवतार सेठ धनीराम वाले वहां गए, गोदाम का सारा माल पकड़ा दिया। उन सालों की सारे शहर में जयजयकार हो रही है। जयजयकार। जयजयकार की बातें करते हो? अरे इनकी जयजयकार को भी हमने बेकार कर दिया। अगर ये धतूरे के बीच भी जिंदा होते तो जनता इनका बुत बनाकर किसी सड़क के बीच रख देती, सर पर कब्बे बैठते, कोई पूछता तक नहीं। अब देखो कल के लीडर आज किस शान से मेरे जमा किए हुए अनाज की रखवाली कर रहे हैं। धतूरे के बीच से ही बहन के भाई, वो दोनों यहाँ आ जाए तो कितना अच्छा। अरे वो तो क्या, उनके बाप भी यहाँ आएंगे और जब तक उन दोनों को इसमें सजा कर नहीं रख लूंगा चैन नहीं मिलेगा मुझे। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ ढूंढो उन दोनों को। उन दो लड़कों ने जो बहादुरी दिखाई है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन लोग गुंडों के डर से हमारे पास आते नहीं और हम बिना सबूत किसी को गिरफ्तार करते नहीं। मुस्तकी माफ सर, लोग गुंडों से जितना डरते हैं उतना ही पुलिस से भी। क्या मतलब? मतलब ये सर के गुंडे कोई गैर कानूनी काम करे तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन पुलिस कोई गलत काम करे तो उन्हें कौन सा दर्द। बाजार हुस्न की मलिका बिजलीबाई से इंस्पेक्टर प्रेमलाल की शादी। ये अखबार कहाँ से मिला? उसी लक्ष्मी आयरन फैक्ट्री से जहाँ इंस्पेक्टर अर्जुन ने छापा मारा था। तो मेरा घर मेरी खुशियां बर्बाद करने वाला वो हरामखोर अभी जिंदा है जी? हाँ सावंत, मेरा भी घर था, पत्नी थी, फूल जैसी एक मासूम बच्ची थी। राजा मेरे प्यारा जा, देख ऐसे ना सका, अब तो रहा नहीं जाए, आजा आजा आ मेरे गले से लग जा। आजा मेरे प्यारा जा, देख ऐसे ना सता, अब तो रहा नहीं जाए, आजा आजा आ मेरे गले से लग जा। सर कमिश्नर साहब ने आपको फॉर्म बुलाया। तुम चलो मैं आता हूँ। ओके सर। बिजली का नाम सुना है जी? बाजार हुस्न की सबसे अफीम तवायफ है, अफीम स्मगल करने वाले गिरोह के लीडर से उसका ताल्लुक है। तुम्हें भी अपना ताल्लुक उससे पैदा करना होगा। जब तक तुम अपने आप को बिजली की जुल्फों में नहीं उलझाओगे वो स्मगलर हमारे जाल में हरगिज नहीं उलझ पाएगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। आपने मुझे भरोसा किया है सर, तो मैं आपके इस मकसद के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर सकता हूँ। हमें तुमसे यही उम्मीद थी, मगर एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारे एक हाथ की खबर दूसरे हाथ को न हो। यहाँ तक कि तुम्हारी धर्म पत्नी को भी ये नहीं मालूम होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो। अच्छा, अगर बिजली बाई ने चरस और कोकीन के अड्डे का पता बता दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इस वक्त इंस्पेक्टर कहाँ है? बिजली की बाहों में। अच्छा मौका है, एक तीर से दो शिकार। तू इंस्पेक्टर की पत्नी को लेकर उसका कारनामा दिखाने के लिए कोठे पर पहुंच, बाकी इंतजाम मैं करता हूँ। हमारी निगाह भी तो आपको देखती रहती है, आपका इंतजार करती है। अब इंतजार को खत्म करके इन्हीं निगाहों से मेरे दिल में उतराव रानी, हम भी तो तड़प रहे हैं तुम्हारे लिए। कोई और भी तो तड़प रहा होगा आपके लिए। कौन? आपकी बीवी। वो तो तड़पने की हद से बहुत दूर जा चुकी है। क्या मतलब?
अरे मतलब यही बेगम कि तुम्हारे कोठे पर आने से पहले मैंने अपने हाथों से अपनी बीवी का गला तबा दिया। तो शुक्र करो मर गई, नहीं तो तुम्हारे मेरे दरमियान दीवार बन जाती कमबख्त। मैंने मालकिन को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो चली गई। जाते जाते इतना ही कहा कि ये अखबार साहब को दे देना और कह देना मुझे ढूंढने की कोशिश की तो मेरी लाश ही मिलेगी। लेकिन ये पता ना चला किस बदमाश ने खबर छपाई थी। ऐसे लेकिन सर आपने मेम साहब को तलाश करने की कोशिश नहीं की? तो जानबूझकर सामने आना ना चाहे उसे कौन तलाश कर सकता है? आज तक पता नहीं चला वो कहाँ है, किस हाल में है। चल रूबी, मैं क्यों जाऊं? जान न पहचान बड़ी मौसी सलाम, अंकल तेरे हैं मेरे तो नहीं। ओहो मेरे हुए तो तेरे नहीं हुए। बाया झूमरी तलैया वाली रिश्तेदारी मैं नहीं मानती। फैसला ऐसे तो होने वाला नहीं, जो आंटी बोलेंगी वही होगा। मंजूर? मंजूर। आंटी दोनों ना? माँ अकेली ना? तुम दोनों जाओ। अब चलिए शराफत से। आंटी आप भी चलिए। मैं कहा? तुम दोनों जाओ, मैं यही बैठती हूँ। आंटी अपना ही घर है, आप चलकर तो देखिए, बिल्कुल देवता है देवता मेरे अंकल। जरूर होंगे, मगर बात यह है मैंने पुलिस के किसी भी देवता के घर ना जाने की कसम खाई है। तुम जाओ। लोग औलाद की सालगिरह पर खुशियां मनाते हैं और मैं अंकल जा ले। हेलो सुरार, हाउ आर यू? हेलो अंकल, हाउ आर यू अंकल? अंकल आप मेरी सहेली रूबी से मिली। जी नमस्ते। प्रीति राव बेटी खुश रहो। खुश तो तब होंगी जब आप हमारे फंक्शन में चीफ गेस्ट बनना मंजूर करेंगे। चीफ गेस्ट? अब मैं? प्लीज अंकल सॉरी। ऐसी तफरी के लिए पुलिस कमिश्नर के पास वक्त कहा? अगर हमारी जगह आपकी सगी बेटी होती और वो इस तरह आपसे कहती तो भी आप इनकार कर देते? वेरी इंटेलिजेंट, तुमने हमारी कमजोरी को पकड़ लिया। प्रॉमिस। जी शुक्रिया। रूबी अंकल कहाँ करना है तुम्हारे बर्थडे का सबसे शानदार तोहफा है। बर्थडे? तुम्हारा भी बर्थडे आज? फिर से क्या मतलब, और भी किसी की सालगिरह आज अंकल? हाँ मेरी बेटी का भी बर्थडे आज ही है। बेटी? लेकिन पहले तो आपने कभी नहीं कहा मुझे, कहा है वो? मुझे पता होता तो मेरी जिंदगी में अंधेरा ही क्यों होता। पचपन आया सरकार। जी सरकार। मिठाई लेकर आओ। जी मिठाई की कोई जरूरत नहीं, अब हमें इजाजत दीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आज तुम्हारा बर्थडे है, तब तक तुम मुंह मीठा नहीं करोगी तब नहीं जा सकती। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। बात यह है कि मेरी माँ बाहर गाड़ी में अकेली बैठी हुई है। तुमने पहले क्यों नहीं कहा, मैं जाकर लाता हूँ। जी आज के दिन जब तक वो मंदिर नहीं जाएंगी वो किसी के घर नहीं जाएंगी। सरकार मिठाई। जी मैं खा लूंगी। अगर तुम्हारे डैडी अपने हाथ से तुम्हें मिठाई खिलाना चाहते तो क्या तुम नहीं खाती? I'm sorry, खिलाइए। Good girl. अंकल मुझे वो अपने हाथ से खा। अंकल मेरे बर्थडे को सिर्फ 6 महीने बाकी है, एडवांस में खिला दीजिए ना। वो तूफानी रात मैं कभी नहीं भूल सकती। जन्माष्टमी की रात थी, मैं तुझे तेरे माँ के पास छोड़कर मंदिर चली गई। जब वापस लौटी तो सब कुछ खत्म हो चुका था। तेरे माता पिता खून में लथपथ होकर पड़े थे। हीरा क्या हुआ? कन्या मैंने फिर वही सपना देखा, मूर्ति टूटी, हीरे बिखरे, गोली चली और माता पिता चीख कर गिरे। शायद उस माधव की बातें हृदय में बैठ गई है। सब ठीक हो जाएगा, भूल जा।
नहीं, कैसे भूल जाऊं उन माँ बाप को जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उस माँ को जिसकी छाती से लिपट कर मैंने दूध पिया, उसी से खून के फवारे छूटे, और तू कहता कि मैं भूल जाऊं। धीरे जाक, शायद भगवान को यही मंजूर था। अगर भगवान यही चाहता था तो फिर वो भगवान नहीं, हत्यारा है। हीरा, राम का नाम लो। जानते हो भगवान के लिए ऐसे शब्द निकलना पाप है? और क्या वो पुण्य है जो तुम्हारे उस भगवान ने मेरे माता पिता के साथ किया? जीवन भर मेरे पिता उनकी उन मूर्तियां बनाते रहे, उनके चरणों में अपना माथा टेकते रहे, और उसके बदले में क्या दिया तुम्हारे उस पत्थर के भगवान ने? बेबसी और बेकसी की मौत? नहीं हीरा, नहीं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देखना, एक दिन हत्यारा जरूर पकड़ा जाएगा। पन्ना, उसी दिन के इंतजार में तो मैं जी रहा हूं। अगर ऐसी बात है तो मैं बापू के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि जिस तरह इस महात्मा के कातिलों को फांसी लगी थी, मैं तुम्हारे माता और पिता के कातिलों को फांसी दिलाकर ही रहूंगा। और अगर मैं ना कर सका तो मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूं हीरा, भगवान के मंदिरों की सीढ़ियां कभी नहीं चढ़ूंगा। नहीं पन्ना, नहीं, मैं इतना मतलबी नहीं हूं। अगर तू मेरे पिता के हत्यारे को ढूंढेगा तो मैं भी इन्हीं चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं तेरे पिता को ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। होशियारी से बचने ना पाए। चल चल हीरा, चल, भाग चले यमदूत आ रहे। देख, अरे ठहर जा, इनकी जीपीडीडी कर देते हैं। अरे देखता नहीं है, हाथ में तमलचा है। कहां है? वो देख, लगते तो ऐसे ही है। दिमाग खराब हो गया? ये तो लड़कियां हैं। तेरी तो मिस, ये मिस शो का वक्त हो गया और आपकी हेलन पेप्सी अभी तक नहीं आए, अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मेरा 12 साल का तजुर्बा है, वो ठीक वक्त पर मेकअप करके आ जाएंगी, समझे? लेकिन हम तो उन्हें पहचानती भी नहीं। लेकिन मैं तो उन्हें पहचानती हूँ। देखो, शो में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और फर्स्ट प्राइज हम ही लोगों को मिलनी चाहिए। ये मेरी ही नहीं, सारे कॉलेज की इज्जत का सवाल है, समझी? गो अहेड। आखिरी घंटे भी बच गई, अब वो कहाँ से आएंगी? आएंगी नहीं, आसमान से टपक पड़ेंगी। कहिए कहाँ से आना हुआ, चेहरा तो है पहचाना हुआ। कहिए कहाँ से आना हुआ, चेहरा तो है पहचाना हुआ। नई बात कोई, अब ये मजाक पुराना हुआ। वो सुहाना मिलन, प्यार की वो लगन, भूल गए क्या सनम। कहिए कहाँ से आना हुआ, चेहरा तो है पहचाना हुआ। नई बात हुई, अब ये मजाक पुराना हुआ। वो सुहाना मिलन, प्यार की वो लगन, भूल गए क्या सनम। Thank you.
रहे थे गले ताज महल तले भूल गए क्या सनम परम 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 कहिए कहाँ से आना हुआ तेरा तुम्हे पहचाना हुआ सोचिए नई बात कोई अब ये मजाक पुराना हुआ देख लेते छबी भूल गए क्या सनम याद है सावन की रुमझुम जब थे मेरे प्यार में तुम याद है सावन की रुमझुम जब थे मेरे प्यार में तुम मार के ठोक कर अपनों को घर से भाग लिए थे तुम फिर हमारी खड़ी याद के थी पड़ी भूल गए ये कहाँ से आना हुआ तेरा तो है पहचान हुआ अब ये मजाक पुराना हुआ ला 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 अरे अरे ये तो असली टपक पड़े कहिए कहाँ से आना हुआ तेरा तो है पहचाना हुआ हुक्का हुआ हुक्का हुआ हुक्का हुआ वो अपनी मिस्ती गरी है इशारे से बता देती कि वो दोनों हेलन पेप्सी नहीं थे तू उन लोगों को जूते से मार मार के हॉल से बाहर निकाल देती और सारे शो का सत्यानाश हो जाता फिर पब्लिक हमें जूते मार मार के हॉल से बाहर निकाल देती अरे बेचारे इतना अच्छा प्रोग्राम दे गए कि हमें ट्रॉफी मिल रही है और फिर भी तू बिगड़ती जा रही है उन पर भाड़ में जा ट्रॉफी लड़कियों की स्टेज पर आने का उन दोनों का क्या मतलब था और वो जो बंदर था बार बार मेरा हाथ पकड़ कर मजा ले रहा था गा रहा था चेहरा तो है पहचाना हुआ मैंने भी उसका चेहरा पहचान लिया अगली बार कहीं मिल गया ना तो ऐसा हुलिया बिगाड़ दूंगी कि वो खुद अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगा अरे कभी क्यों वो कल ही तुझे मिल जाएगा कल और नहीं तो क्या तू जिस तरह से उसे लिपट लिपट कर बिजली के करंट मार रही थी ना उसे रात भर नींद नहीं आने वाली वो सुबह उठते ही तेरा पता पूछेगा और सीधा तेरे पास आ जाएगा ओह नीलम विल यू जस्ट शट अप ओके शट अप कौन गधा बोल रहा है अबे मैं कालीचरण बोल रहा हूँ खच्चर कालीचरण तू इतनी रात को खैरियत तो है खैरियत क्या बेटे एक गुड न्यूज सुनो विष्णु भगवान की दूसरी मूर्ति भी हमारे कब्जे में आ गई विष्णु की मूर्ति I'm sorry विष्णु की मूर्ति अरे कालीचरण यार तूने तो कमाल कर दिया यार अरे इसमें मेरा क्या कमाल है लोगों ने दिन रात घंटे बजा बजा कर भगवान को इतना परेशान किया है कि आजकल वो खुद मंदिरों में रहना नहीं चाहते और हाँ एक बात याद रख विल्सन साहब से कहना कि हम इन दो मूर्तियों के 50 लाख से कम नहीं लेंगे 50 लाख क्यों मिस्टर विल्सन तो इनका 1 करोड़ रुपए देने को तैयार होगा सारे एशिया में गुप्तकाल की दो ही मूर्तियां तो हैं अर्जुन कुछ पता चला नहीं सावंत मूर्ति इतनी सफाई से चुराई गई है कि मामूली सा सुराग भी नहीं छोड़ा मुझे तो सिर्फ एक ही ग्रोह पे शक है जो ये काम कर सकता है सावंत जैसे भी हो इस ग्रोह को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा अगर मूर्ति हाथ नहीं आई तो सारे शहर में हंगामा हो जाएगा फिक्र मत करो बम्बई के पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं अबे ओ दतुरे के बीच सीधा रास्ता छोड़कर ये इमरजेंसी के रास्ते से क्यों आया
सेठ जी तेली गली में इंस्पेक्टर सावन को देखा है, ठेले वाले के भेष में अपनी बेकरी के बारे में बातचीत कर रहा था। हाय, अभी तो न थे उसके मरने के दिन, खुदा जाने किसकी नजर लग गई। कौन आ रहा है? अबे देख क्यों नहीं चलता, अंधा है क्या बे? सच मुझ अंधा हूँ बाबूजी, आंखों से भी अंधा हूँ और तकदीर से भी अंधा हूँ। माफ करना बाबा, गलती आप उनका है, रास्ते में हम सो गया। बाबूजी मेरे भजिया पाँव कहाँ है? भजिया पाँव? हाँ। अरे ये है, आओ। ये लो बाबा। अच्छा पकड़ो मेरी लकड़ी बाबूजी। आइए भी हेलो, भगवान भला। हेलो बाबा, हेलो, आज तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अच्छा चलो मेरे साथ। अच्छा बाबूजी, चलो बाबा। बाबूजी इन राक्षसों की बस्ती में आप भगवान बनकर कहाँ से आ गए? राक्षसों की बस्ती? अरे बाबू मैंने तो ये बात बहुत सौ को बताई है कि हनुमान गली के तीसरे गटर के ढक्कन में से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कभी कोई सोना बनाने की बात करता है, कभी कोई किसी बहुत बड़े सोशल लीडर को मारने की बातें करता है, पता नहीं अंदर क्या क्या होता है बाबू। सब बातें तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? अपनी कोई सुने तब ना, और अगर कहीं बदमाशों ने सुन लिया तो समझ लीजिए कि दूसरे दिन अपनी लाश समंदर में आस्नान करती ही मिलेगी। अगर हम बदमाशों को पकड़वा दें तो इनाम भी मिलेगा, नाम भी होगा। अगर कालीचरण ने सुन लिया ना तो फिर वह हम दोनों को अपनी बेकरी में जिंदा जला देगा। उसकी तो ऐसी की तैसी, कानून इतना कमजोर नहीं है बाबा, तुम मुझे उसका सिर्फ पता बता दो। पता तो वही है, हनुमान गली का तीसरा ढक्कन। इसका क्या करेगा? अचार डालेगा। खाएगी क्या? धतूरे के बीज, तेरी बहन का भाई। अरे ये जहाँ से आया है इसको वहीं वापस पहुँचाना है। तो क्या इसको पुलिस कमिश्नर के घर ले जाएगा? नहीं तो क्या इसको अपने बाप के पास ले जाएगी? पर हम इसको कैसे ले जाएंगा? सारी तरकीबें हम ही को बताना पड़ेंगी। अरे मोटी, कुछ अपनी मोटी अकल से तो सोच। पर डार्लिंग तुम समझता काहे को नहीं? हम खूब समझता है। काली की सौगंध, अगर तूने इसे वहाँ नहीं पहुँचाया तो मैं तुझे इसके पास जरूर पहुँचा दूंगा। इसका क्या करना है चरण जी? धतूरे के बीच इसको जल्दी से जल्दी पैंथर के पास पहुंचाओ। अरे जग्गू, ये मूर्ति की वजह एकाएक कैसे बढ़ गई? अबे ये भगवान की मूर्ति है। जय राम जी की, हमें पेट्रोल की आवश्यकता है। किसमें लोगे? इन माय वन पीस इकलौती गाड़ी मेड बाय हीरालाल एंड पन्नालाल दोनों एबीसी। अरे ये कैसी गाड़ी है? बड़ी अच्छी गाड़ी है, ऐसी गाड़ी तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखी और ना ही कभी देखोगे। ये तुम्हारा फर्स्ट एंड आखिरी चांस है, इसलिए फटाफट पेट्रोल डाल दो ताकि झटाफट हम यहाँ से चले जाएं। कितना डालूं? आधा लीटर हमारी बोतल में और आधा लीटर हमारी गाड़ी में। गाड़ी काहे को खड़ा करता है मैन? ये दो मर्दूद यहाँ कैसे? कौन सा तेल है? तेल नहीं पेट्रोल है। इन्हीं दो बदमाशों ने तो धनी हमको फंसाया था। ओ आई सी, आज हम इन दोनों को फंसाएगा। कैसे? कैसे मतलब, ये लाश वाला बक्सा है ना, इन दोनों को ऐसा उल्लू बनाएगा, ये दोनों लेकर कमिश्नर साहब के पास जाएगा। हुजूर, दो आदमी संदूक लेके आपसे मिलने आए। फिर कोई हरामजादा रिश्वत लेकर आया है? जय हिंद।
कौन हो तुम लोग? हीरा लाल। पन्ना लाल। आई एम प्रेम लाल, पुलिस कमिश्नर। तलवार लाल को हटाइए और संदूक लाल को देखिए। इसमें क्या है? ये हम कैसे बता सकते हैं? तुम नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? तुम्हारा चाचा या तुम्हारा मामा? हमारा मतलब है पराए घर में आकर पराई चीज या पराई पराई औरत को देखना पाप है। एबीसी इनका मतलब आप समझे? पकड़ कर बिठा दो हम दोनों को। चलो देखा ना, चीपी-चीपी हो गया। क्या आप नहीं समझेंगे? अंग्रेजी में बोल रहा है। अभी मैं फारसी में बुलवाता हूँ। किसी स्मगलर ने भिजवाया है या सेठ साहूकार ने? एक देवी ने दिया, उसके भाई ने भिजवाया है। बड़ी मुसीबत में थी बेचारी, और अति कमसिन भी थी। अभी पता चल जाएगा। के विष्णु मंदिर से चुराई हुई मूर्ति, इंस्पेक्टर सावंत इसी की तलाश में गया है। कुत्ते के बच्चों, ये मूर्तियां लाए हो? सरकार, मुझे जो दिया गया मैं लेकर आया, इसमें हमारा क्या कसूर? अभी पता चलेगा। जो नहीं, मुझे कालीचरण के पास फौरन जाना है। यू अरेंज इट। सरकार, मेरा कोई कसूर नहीं सरकार। मैं तो उन दोनों घरेलू वालों को फंसाने के लिए गया था सरकार। सरकार, मेरा कोई कसूर नहीं है सरकार। सरकार, मुझे क्या मालूम था उस टन में मूर्तियां है सरकार। अबे तो मैं तेरे साथ कौन सा बुरा सलूक कर रहा हूँ ततूरे के बीज? मैं तो तुझे डबल रोटी के साथ थोड़ा सा पका रहा हूँ। ये तेरी जो मोटी अकल है ना, ये बारीक होकर ठीक से काम करने लगेगी। अगर तुम दोनों अपना यह हशर नहीं देखना चाहते तो जाओ और मूर्तियां ला दो मुझे। भजिया पाव खाओ, प्रभु के गुण गाओ। वाह वाह। अरे भजिया पाव इसी तरह खाते रहे तो प्रभु क्या, हम अपने आप को भूल जाएंगे। अरे भाई पंडित जी, कोई काम काज के बारे में सोचो, कोई धंधा पानी के बारे में सोचो। सोच लिया, विचार भी कर लिया। क्या? हम लोग ये सोने का लॉकेट बेच देंगे। क्या? हाँ, लॉकेट बेचकर ऐसा एक ठेला खरीदेंगे, फिर खूब मेहनत करके खूब कमा के रोज भाजी पलाव खाएंगे। तू लॉकेट बेचेगा? माँ की निशानी? नहीं रा, माँ की निशानी ये नहीं, मैं हूं। पर इसमें तेरे भगवान की मूर्ति है, तू भगवान की मूर्ति को बेचेगा? मूर्ति बेचने की बात कर रहे हैं? पाप कमाल है क्या? अभी बिकवाता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुझे हर किसी मूर्ति नहीं बेचने दूंगा। मूर्ति बेचोगे नहीं, हमारे हवाले करोगे। भाई बन्ना लाल, ये तो वो गोदाम वाले। ओ, कोई बात नहीं, इनकी जीबीटीडी कर देते। कर देते? क्यों भाई, अनाज की हेरा फेरी करते करते अब मूर्तियों की हेरा फेरी करनी शुरू कर दी है क्या? बकवास नहीं कर। मूर्तियां कहाँ है बताओ, नहीं तो दोनों को घसीट दूंगा। भाई पन्ना लाल, तुम्हारे जटाशंकर महाराज इस सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं? सिचुएशन विषय विषय। ओहो, लातों के भूत। बातों से नहीं मानते। जियो हीरा, आनंद आ गया। Thank you.
इनकी जीती जीती तो हो गई, तो हो गई। अब क्या करें? अब भोज करें, कूद आएंगे। आनंद आ गया, मजा आ गया भोज का। अरे पन्ना, ये तो वही मोटी थलथल मूर्ति वाली। चलो उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। कम चलो। पापा पापा पम 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 पा पापा पापा पम 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 पा पापा पा ओ ओ गॉड मुसीबत इधर भी मुसीबत मैं लड़की लोग का हॉस्टल में छुपेगा ओ गॉड हेल्प मी पन्ना पन्ना तो गाड़ी पर निकाल रख मैं उसकी जीपीडीडी करके आता हूँ अच्छा एबीसी बचकर कहां जाओगी थलथल करके लग दूंगा थलथल अच्छा बाथरूम में घुसी है एबीसी अब फंसी हथनी जाल में रुई की तरह थनक कर रख दूंगा बिल्ला डीपू मुझे मैंने कुछ नहीं देखा मैंने कुछ नहीं देखा भगवान के प्रॉमिस गॉड की सौगंध खाकर कहता हूं मैंने कुछ नहीं देखा अभी दिखाती हूं तुझे बदमाश ये देखा जी तुम मिस्टर हेलन आप फिर गलती कर रही हैं मेरा नाम हेलन नहीं हीरा लाल है नमस्ते नमस्ते के बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो रूबी क्या हुआ रूबी कुछ नहीं हुआ एक एक बिच्छू आ गया था बाथरूम में बिच्छू कहाँ है वो मैंने उसे पकड़ के रखा है बिच्छू को पकड़ के रखा है क्या हुआ बिच्छू ने डंक मारा क्या नहीं नहीं मैंने मैंने उसे मार डाला फिर वही क्यों किया मैंने नहीं बिच्छू ने किया बिच्छू ने ओहो तुम लोग जाओ ना मुझे नींद आ रही है ए नीलम कहीं उसका जहर तो नहीं चढ़ गया होगा ना ए चुप ए मोमरे नहीं आ रही ये क्या हंगामा हो रहा है क्या कर रही हो तुम लोग नीलम तुम इतनी रात गए यहाँ कैसे चलो अपने घर लड़कियों चलो अपने अपने रूम में वो सुन मेरे हाथ क्यों काटा चुप क्यों हो बोलते क्यों नहीं ठीक क्या करता मेरी सांस की तो जीबीजीडी हो जाती रूबी दरवाजा खोलो हम मर गई मेरे काटने से चुप जल्दी से जाकर अलमारी में छुप जाओ वहाँ वहाँ तो सच में मेरा दम घुट जाएगा मैं मर जाऊंगा मेरी बला से मैं तो बच जाऊंगी मोटी माँ से नहीं देखी तो मेरी पीटी हो जाएगी जल्दी करो ना बाहर निकल तो मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो Why don't you open the door? Please! हरिया ओ आप दरवाजा खोलने में देर क्यों हुई जी मैं बाथरूम में थी लेकिन चिल्लाए क्यों थी जी वो बात ये है कि मैं एक बिच्छू आ गया था जी हाँ लेकिन आपको कैसे मालूम उसने भी यही कहा था मैं समझी नहीं किसने कहा था हॉस्टल में एक बेला नाम की लड़की थी वो भी एक रात जोर से चिल्लाई मैंने जाकर पूछा क्या हुआ कहने लगी बिच्छू निकला फिर क्या हुआ सर सर नहीं मिस हाँ मिस होना क्या था मैं आगे बढ़ी कहाँ यही सवाल तो उसने भी पूछा था लेकिन मैं चुप रही फिर मैं अलमारी की तरफ बढ़ी अलमारी हाँ लेकिन सर अलमारी में तो कोई नहीं है अभी पता चल जाएगा जी हे भगवान मुझे बचा लो
वो भी इतना घबराई हुई थी। हाँ हाँ, जब मैंने अलमारी खोली, अंदर कोई है? जी जी नहीं, कोई भी नहीं। मेरा भी 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं जानती हूँ अंदर कोई नहीं है, लेकिन वहां पर उसका आशिक, उसे कॉलेज और हॉस्टल से निकाला गया। ध्यान रखना। हाँ। मैं जाती हूँ, तुम हाँ। दरवाजा बंद कर लो। मैं दरवाजा बंद कर लूंगी। डोंट बी नर्वस। आई वोंट बी नर्वस। ओके। यस 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 यस। अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? जा कहाँ रही हो? रुको ना। देखिए, मेरा उस मोटी को पकड़ना बहुत जरूरी है। मोटी? हाँ। फिकर ना करो, मैं तुम्हें उसके पास भेजूंगी। आप उसका पता जानती हैं? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। चलो बाथरूम के अंदर। लेकिन मुझे अभी बाथरूम की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन मुझे पड़ रही है, तुम बाथरूम के अंदर और मैं यहाँ। लेकिन मोटी का पता चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। तो जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करो। जैसे सन्नाटा छा जाएगा, मैं तुम्हें उसका पता दूंगी और तुम्हें यहाँ से बाहर कर दूंगी। बाथरूम के अंदर। अच्छा अच्छा। जग्गू दादा, तुम्हारी बहन का फोन। बाप रे, अरे ये मुसीबत कहाँ जा रही? अबे जल्दी कर, जल्दी से बोतलें छुपा दे। और मुझे इलायची दे, इलायची। फोन है भाई, इलायची दे। फोन है, फोन। फोन पे? हाँ। अपन तो साला डर गया, अपन सोचा इधर आ गई। हेलो भैया, एक बदमाश मेरे पीछे पड़ा है। क्या? तुम्हारा पता देकर मैंने भेजा है। ऐसा कर दो कि वो अपना पता भूल जाए। तो फिक्र नहीं कर, अपन उस साले की ऐसी धुलाई करेगा कि वो पता क्या अपने बाप दादा का नाम तक भूल जाएगा। भेज दे मेरे पास। मांगी नाव न केवट आना, कहे तू हार परम मैं जाना। रघुकुलरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रामायण का पाठ कर रहा हूँ। तुम जाओ दादी माँ, ये अपनी जान पहचान वाले। नमस्कार दादी माँ। जीते रहो बेटा। तुम यहाँ पहुंचे कैसे? बताता हूँ बताता हूँ, कोई पकड़ो। जिस लड़की ने मुझे मूर्ति वाली संदूक दी थी ना, ये गाड़ी उसी की है। ये गाड़ी? हाँ। अरे नामुमकिन। नामुमकिन नहीं, मुमकिन। तुम उस लड़की को जानते हो? अरे बिल्कुल अच्छी तरह। कहाँ है? अंदर। अंदर? तुम्हारी बंदूक में गोली है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, जल्दी डालो। क्यों? तुम्हें क्या बात है? क्योंकि लगती बड़ी भोली है, लेकिन है बड़ी कुत्ती चीज। क्या बकते हो? मैं बक नहीं रहा हूँ, अगर भागने की कोशिश करो तो धर्म से गोली मार देना लड़की को। ए मिस्टर, तुमने पहचानने में गलती की है। नहीं बाबा, मैंने पहचानने में गलती नहीं की। गलती तब की थी जब मैं उसे सीधी समझा था, लेकिन अब तो वो हालत है कि पत्ता खड़का और बंदा भड़का। सुश्री ने मुझे फांसी के पंजे तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब मेरे पंजे में आ गई है। जाओ उसे ले आओ। तो फिर आओ। मैं? बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। हवलदार जी, शीघ्र इस लड़की को हाथकड़ी पहना दीजिए, वरना ये फिर यहां से। राम 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 राम। क्षमा कीजिए देवी जी, अनजाने में मैंने आपके शरीर को छू लिया, क्षमा कीजिए। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर पेप्सी? अरे नीलम, तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ भैया, इनके और इनके दोस्त की मदद से तो उस दिन हम लोग कॉम्पिटिशन में जीते थे। यू मीन हेलन पेप्सी केस? राइट। ओ, अरे इन्होंने तो हम पुलिस वालों की भी मदद की है, इसी चक्कर में तो पन्ना लाल जी आज यहाँ मौजूद है। क्यों पन्ना लाल जी? अवश्य। थल थल, मैं कुछ समझी नहीं भैया। अरे रात में ये एक मोटी औरत का पीछा करते करते तुम्हारी गाड़ी में यहाँ पहुंचे, और उसकी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी जैसी थी। क्यों पन्ना लाल जी? जी बिल्कुल, जब मैं दो पाँव वाले जीव जाति को पहचानने में धोखा खा जाता हूँ, तो फिर मोटर के तो चार पाँव होते हैं। क्यों देवी जी? वो आपके दोस्त का है। दोस्त? अजी रात उस थलथल के पीछे उस बिल्डिंग में गए थे, और मैं आपकी मोटर को उस थलथल की मोटर समझ कर सो गया था। ओ, अब समझी रूबी के कमरे में वो बिच्छू कौन था। बिच्छू? कहाँ बिच्छू? नहीं नहीं नहीं, मैं भी आती हूँ। हेलो रूबी, रात को खूब पागल बनाया तुमने हम सबको। हीरा लाल को अंदर छुपा कर बिच्छू का ड्रामा करने लगी थी। क्या बकवास करती है? अरे ज्यादा उड़ो नहीं, पेप्सी यानी पन्ना लाल मेरे घर में आया हुआ है। वो कमबख्त वहां पहुंच गया।
अर्जुन भैया से कहकर हाथ पैर तुड़वा दे बदमाश के। दूसरे को तो मैंने जग्गू भैया के पास भेज दिया है, हड्डी का सुरमा बना देगा। अरे ये क्या किया तूने? दोनों बेचारे बहुत शरीफ हैं, अर्जुन भैया दोनों को जानते हैं। ओह, फिर तो बहुत बुरा हुआ। गुड मॉर्निंग जी। कौन मॉर्निंग? ये जग्गू दादा का हाउस कहाँ है जी? ओहो, जग्गू दादा का घर कहाँ है? वो रहा सामने। बिल्कुल क्वालिफिकेशन नहीं है। अच्छा, तो ये मूर्ति जग्गू के पास है? अभी फॉलोइंग, बाद में रोइंग। मोटी के साथ तेरा भी ऑपरेशन कर दूंगा। बहन के कमरे में घुसता है? मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी बहन का कमरा है। हीरा लाल, यूटीसी मुझे मार खाने के लिए यहाँ भेजा था? मेरा खून भिजा हुआ कुत्ता, मैं जान से मारा लूंगा तुझे। इसको कदम में लगवाकर पुराने किले में भिगो दो। जग्गू भैया, जग्गू भैया, जग्गू भैया। अरे तुम इधर काहे को आया? अब तो उस काली को मार मार के ऐसा दरुस्त किया, ऐसा दरुस्त किया कि अगले जन्म में भी तुम्हारे दरवाजे का चौका ढूंढेगा ना तो भी नहीं मिलेगा साले को। अब भैया भैया, बात यह है कि वो मेरे पड़ोसी है। पड़ोसी? हाँ हाँ, बाद में लोगों ने बताया कि बेचारे को अंक से कम दिखाई देता है। हा? इसलिए अपनी बिल्डिंग के बजाय मेरे हॉस्टल में घुसाया। कहाँ है वो? उसको तो उठवाकर मैंने पुराने किले में भिगवा दिया। पुराने किले में? हा? पड़ोसी? ओ पड़ोसन की लड़की, तुझे देख तबीयत फड़की। अरे ओ पड़ोसन की लड़की, तुझे देख तबीयत फड़की। ना बंद कर खिड़की, नजारा लेने दे। एक बार तो जलवों का सहारा लेने दे। ओ पड़ोसन की लड़की, तुझे देख तबीयत फड़की। अरे ओ पड़ोसन की तबीयत फड़की। ना बंद कर खिड़की, नजारा लेने दे। एक बार तो जलवों का सहारा लेने दे। मान ले मेरी बात हसीना, ना कर तू मनमानी। तीनों किस्मत से मिलते हैं दिलबर हुस्न जवानी। सुन बात अपने, सुन बात अपने दिलबर की, क्या आदत है दिल धड़काने की। ओ पड़ोसन की लड़की, तुझे देख तबीयत फड़की। ना बंद कर खिड़की, नजारा लेने दे। पार तो जलवों का सहारा लेने दे। के पवन का झोंका मैं जुल्फे तेरी बिखरा दूं। गोरे रंग पे इन होठों से प्यार की मुहर लगा दूं। दीदार तेरा है, ओए 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 ओए, दीदार तेरा मिल
जाए ये चाहत तेरे दीवाने की। ओ पड़ोसनी लड़की तुझे देख तबीयत भड़की, ना बंद कर खिड़की नजारा लेने दे, एक बार तो जलवों का सहारा लेने दे। कितनी दूर से आया हूँ मैं किसी बहाने, आजा ओढ़ के आ जाऊंगा मैं तो खिड़की और दरवाजा। दिलदार तेरा ओए 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 ओए, दिलदार तेरा आया है मर्जी है तुझको ले जाने की। ओ पड़ोसन की लड़की तुझे देख तबीयत भड़की, अरे ओ पड़ोसन की लड़की तुझे देख तबीयत भड़की, ना बंद कर खिड़की नजारा लेने दे, एक बार तो जलवों का सहारा लेने दे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो भैया, तुम्हारा बारह सिंह का खाना नहीं खा रहा है, झूला झूल रहा है, कहते हैं जब तक उनके मित्र नहीं मिलेंगे भोजन नहीं करेंगे। सुनो, उनको कहना उनके मित्र श्री हीरालाल जी मिल गए हैं, वो भोजन कर लें, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। ठीक है। पोपटलाल जी, पोपटलाल जी नहीं, पन्नालाल जी। ओह पन्नालाल जी, आपके मित्र खीरालाल जी मिल गए। खीरालाल जी नहीं देवी जी, हीरालाल जी। दोनों एक जैसे तो लगते हैं। ना देवी ना, दोनों में बहुत अंतर है। हीरा कहते हैं ककड़ी को और हीरा कहते हैं कीमती पत्थर को। अच्छा अच्छा अच्छा, भैया का फोन आया था कि हीरालाल जी ने खाना खा लिया है। उन्होंने कहा है कि पन्नालाल जी से कहिए खाना खा ले। खाना मंगाओ? हाँ हाँ, अवश्य मंगाओ, अवश्य मंगाओ। आप चाइनीज खाएंगे? राम 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 राम। देवी जी, मैं शाकाहारी हूँ, जब जानवर का मांस छूटा तक नहीं तो मनुष्य का मांस कैसे खा सकता हूँ। हमारे गुरु श्री जटाशंकर महाराज कहा करते थे, बड़ा बनना चाहते हो तो महापुरुषों की संगत में दिन गुजारो, छोटे विचारों को मन में लाना ही नहीं चाहिए। आप किन किन महापुरुषों की सोबत में रह चुके हैं? अरे देवी जी, ये तो जगह जगह पे निर्भर है। हाल ही में बम्बई में 7 दिन हमने छत्रपति शिवाजी के साथ गुजार दिए, 2 दिन डॉक्टर अम्बेडकर के साथ, 3 दिन तिलक महाराज के साथ, 2 दिन दादाभाई नौरोजी के साथ और बाकी के दिन बापूजी के चरणों में गुजार दिए। बस 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 बस, वैसे आप रहने वाले कहाँ के? अरे ये कैसा प्रश्न है? देवी जी, हम सब भारतीय हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदू। आप मेरा मुंह क्या देख रही हैं? शीघ्र भोजन ले आइए, बड़ी भूख लगी है। और हाँ देवी जी, अगर घर में शुद्ध घी हो तो एक कटोरा गरम करके ले आइए, बड़ी खुशकी हो रही है। अवश्य महाराज। महाराज? अरे रूबी, एक मिनट, एक बात तो सुनो, मैं कहना चाहता हूँ। रूबी, नहीं, ऐसा मत करो, नहीं मत करो ऐसा, छोड़ो ना। ओहो, इंग्लिश में देख लेगा। अरे क्यूडी, जय हो जय हो जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। ये ले प्रसाद। नीलम जी नहीं आई? नीलम जी अपने कमरे में अपनी पूजा कर रही है। अपनी पूजा? एक ही घर में अलग अलग पूजा, अच्छी बात नहीं। Let's dance.
अरे मुझे नाचना नहीं है, नहीं नाचना है, मुझे नाचना नहीं आता। नीलम जी का है, नीलम जी अंदर। नीलम जी मैं आपके लिए भोलेनाथ का प्रसाद लाया हूँ। बेशरम लड़की हो के दिए। नीलम नीलम कौन था वो, तुम्हें थप्पड़ कैसे मार गया? तुमने कुछ कहा नहीं, मारना था कमबख्त को। जयराम जी की, श्रीमान जी समय कितना हुआ है? मैंने कुछ गलत पूछा क्या? आप लोग कौन है? तुम्हारे बाप। क्या बात कर रहे हो, एक आदमी के चार बाप कैसे हो सकते हैं? हाँ चार ससुर जरूर हो सकते हैं। ससुर जी नाराज हो रहे हैं। ससुर जी मैंने क्या किया भाई, मैंने सारे बोलो सिर्फ समय पूछा है। अबे और कितना मारोगे, कसाई हो क्या? देख देख कितना खून निकल रहा है। अबे धतूरे के बीज, तेरी बहन का भाई मैं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बता मूर्ति कहाँ है? और तो नहीं मारोगे? अरे पहले तू बता तो सही। मूर्ति मंदिर में है। कौन से मंदिर में? जहाँ तो जैसे मूर्ति चोर अभी तक पहुंच नहीं सके। अबे मूर्ति चोर के बच्चे। ए, हट, मैं मूर्ति चोर का बच्चा? तो जैसा मूर्ति चोर मेरा बाप कभी नहीं हो सकता, और अगर होता भी तो बाप कहने से पहले मैं खुदकुशी कर लेता। अरे बाप तो मैं भी हूँ किसी का, लेकिन मेरा बेटा तेरी तरह बेवकूफ नहीं होता। झूठ, तू झूठ बोलता है। औलाद वाले तेरी तरह राक्षस नहीं होते, उनके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दया जरूर छुपी होती है, लेकिन तू तू तो सर से पांव तक लोगों के खून में रंगा हुआ है, तू बाप नहीं हो सकता। ले जाओ उसे और शेर के सामने डाल दो। आप क्या जंगल वाले मित्र? वाह महाराज वाह, जंगलीपन इंसानों को दे दिया और इंसानियत खुद रख ली। वाह महाराज की जय हो, बजरंगबली तेरी भी जय हो। सीधा पुलिस स्टेशन। अरे बाप रे इतना बड़ा, अरे 421 517 518 काम भर गए सबके सब कांस्टेबल। सुनिए, अरे सुनिए का टाइम नहीं है। ए भाई पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दो, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, सबको सबको हिला दो। अरे वो अंदर घुस गया। कौन? वो अंदर घुस गया। कौन घुस गया? वो खूंखार शेर। वो शेर? अरे वो शेर तो हमारा मित्र है। खूंखार जानवर तो कालीचरण है, मैं उसका अड्डा देख के आ रहा हूँ। क्या? उसे गिरफ्तार कर लो। क्या बात करते हो, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। अरे हिम्मत नहीं होती तो क्या पुलिस की नौकरी करते? बोलो बोलो बोलो। शेर आ गया। अरे शेर आ गया। कालीचरण का अड्डा किधर है? कालीचरण को पकड़ेंगे धतूरे के बीच। हम तुमको थैली में बंद करेगा क्योंकि वो सारे धतूरे के बीच तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं। आ गए ससुर के दामाद बारात लेके। कालीचरण हाथ चलोगे? मैं कहता हूँ ऐसा मारूंगा कि साथ पूछ दो तो गंजे पैदा होंगे। मर गया साला अपनी मौत। इंस्पेक्टर कुत्ते की मौत मर गया ससुरा, लाश को अस्पताल पहुंचा दो, डॉक्टर काट पीट कर मरने का नतीजा बता देंगे। ओके हम चलते हैं। अरे मरा नहीं साला, पकड़ो उसको, पकड़ो इसको, नहीं छोड़ो। Thank you.
आग लग गई। अरे तुम लोग बैठे बैठे मुंह क्या देख रहे हो, नीचे उतरो। अबे रुक जा, पटरियों पे भागा जा रहा है, अपना नहीं तो गाड़ी का तो ख्याल कर, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। अबे रुक जा। जल्दी जल्दी चाली चरण रुक जाओ। पुलिस की नजरों से नहीं बच सकते। बम है, बम फेंक कर मार दो साले को। मर गया साला। मगर तुम लोग पानी पर नजर रखना, इंस्टॉलमेंट में ये बाहर आएगा। हाथ पैर धड़ और फिर सर, होशियार रहना। ओके गुड। आगरे का घाघरा, चौरंगी की चोली, कानपुर के कंगन और ये हाय हाय। ओ पंडित जी, वो हीरा, वो मैं अपनी दादी माँ को मिलने जा रहा हूँ ना, इसलिए उनके लिए, इसलिए उनके लिए। ये सब दादी माँ पहनेंगे। ये वो बाती है हीरा, वो अपना अर्जुन है ना, वो अपना अर्जुन, उसकी बहन जो तुझे हीरा भैया कहती है। मुझे हीरा भैया कहती है, तुझे क्या कहती है? वो मुझे वो, अब ये जरूरी थोड़ी जो हर लड़की तुझे भैया कहे मुझे भी भैया कहे। ओहो पंडित जी, तो ये बात है। बात यह है कि मैं अपनी उस दिन की गलती की माफी मांगने जा रहा हूं। और ना माफ किया तो? नहीं नहीं, वो तो बेचारी बहुत ही सुशील और कोमल हृदय की है, मुझे अवश्य माफ कर देगी। अच्छा तो हम चले, फिर मिलेंगे हीरालाल जी। पंडित जी जाते रहे हो, लेकिन कहीं आपकी जीपी टीटी ना हो जाए। जीटी पीपी क्या मतलब? हाँ, कहीं वो थप्पड़ का जवाब सैंडल से ना दे। सैंडल से? और आजकल के सैंडल में चमड़े का इस्तेमाल कम, लोहे और लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। जय राम जी की। बेशरम, मुझे थप्पड़ मारकर ही तूफान आयो, इडियट। मैं उस पाप के प्राश्चित के लिए सागर स्नान कराया हूँ देवी, सच्ची, और अब स्वयं आपके सामने क्षमा मांगने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। क्षमा कर दीजिए ना देवी। क्षमा? आपको क्षमा चाहिए? जी। कोई नहीं, अच्छा हुआ, ये सब मेरी कल्पना ही थी। पंडित जटाशंकर महाराज कहते थे कि बुद्धिमान को सदा भागने वाले की अगाड़ी और मानने वाले के पिछाड़ी रहना चाहिए, इसलिए पन्ना लाल महाशय समय है, भाग चलो। पंडित जी, देवी जी, आप तो सत्य है ना, छू कर देख लो। आओ आओ ना। ओ, क्या हुआ, आप क्रोधित तो नहीं है? मेरी आंखों में झांक कर देखो। तुम्हें क्या दिखाई देता है, क्रोध या प्यार? कुछ नहीं। कुछ नहीं? और नजदीक आओ, कुछ देखा? नहीं। और नजदीक आओ। क्या हुआ? वो पानी, वो मुझे प्यास लगी है, पानी। सुनिए पंडित जी, आपके जटा महाराज इस विषय में क्या कहते हैं? वो मुझे कुछ कुछ याद है, मैं कुछ कुछ भूल गया हूँ। सुनिए ना, पहले मेरा जवाब दीजिए। जवाब यानी कि उत्तर। उत्तर
उत्तर आपको इसे मिलेगा। पानी पानी, स्वच्छ शीतल जल, शीतल जल, शीतल जल, शीतल जल। देवी दर्शन देके फिर लुप्त हो गई, फिर तो अपने रंग में उसका ढलना मुश्किल ही लगता है। केशवलाल जी का बेटा। केशवलाल का बेटा? हाँ। हीरा? हाँ माधव चाचा। हीरा बेटा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे कभी मुलाकात भी होगी। माधव चाचा, माधव चाचा, क्या आप जानते हैं मेरे माता पिता का कातिल कौन है? हाँ, मैं सब जानता हूँ बेटा, मैं सब जानता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। Thank you.
बहुत अच्छा, तू सोना लेके सही सलामत पहुंच गए। सोना नहीं लाया हूं, बल्कि मैं अपने आप को जिंदा सलामत ले आया हूं। What? सही सलामत पहुंचने का फायदा क्या हो? हमारा सोना डूब गया है, दिस इज ऑल नॉनसेंस। अरे भाई क्यों करता है बात पराई? सोना मैं कोई पुलिस को देकर नहीं आया हूं, बल्कि बंबई के पास वर्सोवा के समंदर में हिफाजत से छुपा कर आया हूं। नक्शा मेरे पास है, तुम फौरन दो गोताखोरों का इंतजाम करो। मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस मुझे बहुत अच्छी तरह पहचान गई है। That's no problem. Come with me. Come on. सुनो, वर्सोवा से 100 गज जाने के बाद एक बड़ी चट्टान मिलेगी, तुम्हें वहीं से गोता लगाना होगा और 250 फीट पानी में जाने के बाद वही सोने का बक्स मिलेगा जो मैं वहां छोड़ आया हूँ। Yes, सर। होशियारी से, पुलिस हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी। गुड बाय, गुड लक। हेलो, यहाँ बहुत तेज बारिश है, दरिया में बहुत तेज तूफान है। यही अच्छा मौका, और कोई कश्ती नहीं होगी वहां, तुम फौरन जाओ। डोंट वेस्ट टाइम इडियट। यस सर, थैंक यू। साइन, हम कपड़ा चेंज करके आता है। ओके। हीरा, माधु काका तुम्हें पहले मिली होते ना, तो मैं उस दिन तुम्हारे माता पिता के हत्यारे कालीचरण को कभी जिंदा ना छोड़ता। अब भी वो बच नहीं सकता। नॉनसेंस, क्या बात है पैंथर, कहां गए वो लोग? हमारे सोने का क्या हुआ? शट अप, जस्ट शट अप, यू ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। हेलो हेलो, ओवर, हेलो 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 हेलो, बीपी 212। कहां से आवाज आ रही है? कौन है? कौन बोला? गटर, कौन है? कहो तुम। अंदर कोई है भाई? उसकी जीबी डीडी बज रही है। अरे कोई फंस गया है? अरे हमारे हमारे हम आते हैं, हमारे कमिंग कमिंग कमिंग, वे कमिंग। हां खोल दे, खोल। हेलो हेलो, बीपी 212। अरे छाता छोड़, हाथ लगा। हमारे हमारे कमिंग, घबराइए मत, हम दोनों आ रहे हैं। अरे दोनों आ रहे हैं, घबराइए मत। अरे हमारे आ रहे। ये तो असली गटर है। सो तो है, अंदर कोई आदमी फंसा हुआ है पंडित जी। अब क्या करें? बचाते हैं, चलो चलो। हरिओम हरिओम हरिओम। आजा आजा, तू आगे चल, मुझे देनी रहे। वाह 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 भाई हीरा, इस गटर में तो कोई दिवाली मना रहा है, लाल पीली नीली बत्तियां जगमगा रही हैं। भाई पंडित, जगह है भयानक, लेकिन लगती है बड़े काम की। दीपावली का अवसर, लेकिन भाई हीरा, यहाँ तो कोई चूहे का बच्चा तक नहीं है, तो फिर ये आवाज कौन कर रहा था? तेल लेने गई आवाज, अगर कोई होगा तो आ जाएगा। कम से कम बारिश से तो जान बची। सो तो बची। हो, ये देखो कपड़े, चल चल वाह वाह वाह, जल्दी से कपड़े बदल लेते। स्नान तो हो गया है, अब वस्त्र बदल के मैं आराम से अपनी हनुमान चालीसा पढ़ सकूंगा। भाई पन्ना लाल। हाँ भाई हीरा लाल। बड़ी प्यास लगी है, तो जरा उस बर्फ के डिब्बे में देखो क्या है। उसमें वाह वाह, धन्य, पानी की बोतलें और कुछ फल। फिर तो मजे हैं, लाओ इसकी जीबी रेडी कर देते हैं। जो ये लो, ये ले, ठंडा सेब, ठंडा पानी। थैंक यू। अरे एबीसी, ये पानी नहीं है, बिलायती शरबत है, बिलायती शरबत, खट्टा खट्टा कड़वा कड़वा, तू भी पी ले। मजा आ गया कड़वे शरबत। आ गया ना, मजा आ गया। ला तो अपना शरबत। कौन हो तुम? हीरा लाल। हीरा लाल पन्ना लाल। हीरा लाल पन्ना लाल। ओ हीरा लाल पन्ना लाल। Thank you.
सिनोला, ये क्या हो रहा है? चढ़ गई है या? इसको हमें या इन्हें? हेलो हेलो हिप्पी टू वन टू रिस्पॉन्ड हेलो हेलो हिप्पी टू वन टू रिस्पॉन्ड ओह श्रीमान जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुझसे बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? ईबीसी जीपीटी रेलवे तुम्हारा इंजन कहाँ से सीटी बजा रहा है? आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही, जरा जोर से बोलो। जोर से बोलो, माइक के पास आके बोलो। खुद तो अंदर छुपे हो और हमें बोलते हो सामने आओ। पास आओ उल्लू का पट्टा। हाँ जी। हेलो हेलो हिप्पी टू वन टू रिस्पॉन्ड ओवर ओवर ओवर। हीरालाल भाई ये ओवर ओवर क्यों किया जा रहा है? अरे पुनालाल भाई क्रिकेट खेल रहे हैं और ओवर खत्म हो गया। क्रिकेट कौन कौन खेल रहा है? कितने रन हो गए? हिप्पी टू वन टू हेलो हेलो हिप्पी हिप्पी ब्रजेश पटेल खेल रहा है, 212 रन हुए हैं और अभी ओवर खत्म हो गया है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जमा हुआ है, जमा हुआ है। साफ बात क्यों नहीं करते हो नमक हराम कुत्तो? गाली देता है? हम नहीं तुम कुत्ते, तुम्हारे पूज्य पिताजी कुत्ते। मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। गोली मार देगा बाबरा वाले? हरामजादा तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना गुस्सा मत करो, मैं बात करता हूँ। हेलो बोलो मेरे नौजवानों, मेरे सपूतों। कहो मेरे कपूतों। अम्मा मैं सोने के मुतालिक पूछ रहा हूँ। अरे भाई अभी तक तो हम जाग रहे, तुम अपनी बक बक बंद करोगे तो हम सोएंगे ना? नहीं भाई मैं तुम्हारे सो जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली सोने की बात कर रहा हूँ। गोल्ड गोल्ड नहीं, नो सोना नो गोल्ड, ओनली बीसीटीडी जीपीटीडी रेलवे। लगता है ये बहुत ही पिए होंगे। हेलो मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। अबार नाम और निशान मिटा कुत्ते, मैं तुम्हें थूकता हूँ। आई विल किल यू, खत्म करेगा। ट्रेन ही नहीं पकड़ पाएगा, हम लोग ट्रेन में तो जा रहे हैं। और चलाओ ये है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन, उन हरामजादों को यहां बुलाओ, मैं अपने हाथ से कत्ल करूंगा। जॉनसन सर, वो कालीचरण के गटर वाले अड्डे पर छापा मारने के बाद हीरालाल पन्नालाल के ही कपड़े मिले। हीरालाल पन्नालाल, ये लोग वहाँ कैसे पहुँच गए? और वो दोनों कहाँ हैं जिनसे हमें सोना मिला? सर वो तो एक ही सेल में दोनों को रखा था जैसा कि आपने कहा था, मगर कालीचरण के अड्डे के बारे में बताने के बाद दोनों की जबान बंद है, दोनों बहुत डरे हुए हैं। ऐसा करो तुम, हम दोनों की हिफाजत करो अच्छी तरह से, और पूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद ये सोना और ये कपड़े हमारे घर पहुंचा दो। सर कुछ पूछना चाहते हो? जी नहीं जी नहीं। एक बात याद रखो अर्जुन, हम तुम्हें अपने बेटे की तरह चाहते हैं, लेकिन ये बात भी कभी नहीं भूलना, हम एक जिम्मेदार ऑफिसर भी हैं और हम नहीं चाहते कि कोई हमें शक की नजर से देखे। नहीं सर मेरा मतलब वो नहीं था। सर मैं तो ये जानना चाह रहा था कि आपका प्लान क्या है। ये दो मासूम इंसान अपनी बेवकूफी की वजह से दुश्मन के पंजे में फंस गए, हमारा फर्ज है इनकी हिफाजत करना। प्लान नंबर टू, मैं खुद सोना लेकर कालीचरण के पास जाऊंगा। अंडरस्टैंड? नो मोर क्वेश्चंस माय लव।
सर। यस। एक आखिरी क्वेश्चन सर। पूछो। सर, अकेले आप वहां जाकर अपनी जिंदगी को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? अगर कुछ बखुरदार, जिस दिन से अपने बदन पर हमने ये वर्दी पहनी, उस दिन से ये जिंदगी हमारी नहीं रही, और जो चीज अपनी नहीं है उसके लिए चिंता की क्या जरूरत। लेकिन फिर भी सर, तुम भी चिंता छोड़ो और इन दो मुजरिमों को अलग अलग कर दो ताकि कुछ करना बैठे। राइट सर, थैंक यू। पाटिल। हम पाटिल नहीं है। और तुमको कौन बोला? पाटिल, ये गोताखोर नंबर वन को बाहर करो, बड़ा खतरनाक लगता है। पाटिल नहीं है। नीलम, कहाँ जा रही हो? उन्हें तलाश कर दे। मैं शहर का कोना कोना छान मारूंगी, लेकिन उन दरिंदों के हाथों से उन्हें जरूर बचाऊंगी। डोंट बी सिली, पढ़ी लिखी होकर इस तरह की बातें करती हो? इतना बड़ा पुलिस फोर्स उनके पीछे लगा हुआ, कोई मोहल्ला, कोई इलाका, कोई अड्डा नहीं छोड़ा, तुम क्या कर लोगी? तो क्या हम इतने मजबूर हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जरा सा सुराग हाथ में लगते ही हम पूरे गिरोह को खत्म कर देंगे। तब तक उन गुंडों ने अगर भगवान पर भरोसा रखो नीलम, वो सच्चे इंसानों की हमेशा मदद करते हैं। हीरा बनना को कुछ नहीं होगा। अंकल, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मेरी तस्वीर, माँ की तस्वीर, कमिश्नर साहब, मेरी मुन्नी। ये है जाने जा, देखूं पहले तुझको फिर सारा जहां। आजा मेरे प्यारा जा, देख ऐसे ना सता, अब तो रहा नहीं जाए, आजा आजा आ मेरे घर से लग जा। मेम साहब, मेम साहब, आप रो क्यों रही हैं? ये किसकी तस्वीर है तुम जानते हो? कैसे नहीं जानूंगा, ये हमारे मालिक हैं, ये मालकिन, और ये हमारी बेबी। तुम्हारी बेबी मैं हूं लक्ष्मण काका। सच? अरे बिटिया, तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए, मालिक के इतने पास रही और वो तुम्हें पहचान ना पाए, मेरी मालकिन कहाँ है? धर्मपुर के गांव में। काश मालिक यहाँ होते तो इस समय कितने खुश होते। कहाँ गए मेरे पापा? बताओ ना लक्ष्मण काका, कहाँ गए मेरे पापा? बिटिया रानी, फर्श के लिए एक दिन उन्होंने तुम्हें और मालकिन को खो दिया था, आज उसी फर्श के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर वो गोवा गए। अर्जुन साहब कह रहे थे कालीचरण पैंथर इंसान नहीं, राक्षस हैं। उन राक्षसों की मौत मैं बनूंगी, या मर जाऊंगी या उन्हें मिटा दूंगी, लेकिन पापा पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। नहीं, अपन से यह काम नहीं होगा। अपन गुंडा है, लोफर है, अक्खा बंबई को तुम्हारे इशारे पर आग लगा सकता है, लेकिन लेकिन जानबूझकर अपने बहन को कीचड़ में नहीं निकाल सकता। ये दुनिया ही मिट्टी की है जग्गू भैया, यहाँ कीचड़ से कौन बच सकता है? तुम मेरा हाथ थामने से डरते क्यों हो?
मैं तो खुद अपनी मर्जी से उस दलदल में जाना चाहता हूँ। मैं पूछता हूँ, तुम काहे को जाना चाहता है, किस लिए जाना चाहता है? अपने डैडी के लिए। बहन, तुम जहाँ जाना चाहती हो ना, वो लोग अच्छा नहीं है, कमीना लोग है, उनके दिल में अपना माँ बहन के लिए भी इज्जत नहीं है। तुम इज्जत की बात करते हो जग्गू भैया, अपने डैडी तक पहुँचने के लिए मैंने तो अपनी जान देने का फैसला कर लिया है। बस ऐसे तो मेरा भेजा किसे जाता है, तेरे से फैसला कर लेती हो। तो बहुत जिद्दी हो ना, तो जग्गू भी बहुत जिद्दी है, अपन से ये काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये मेरा फैसला है। तुम्हारे फैसले से मेरा इरादा नहीं बदल सकता, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेली ही जाऊंगी। जग्गू भैया, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। इस हाथ पर तुमने राखी बांध कर मुझे एक बंधन में डाल दिया था, और मैंने उस बंधन को जला दिया है। भैया, भैया नहीं, मावाली कहा मुझे? आज तुम्हारे सामने जग्गू मावाली खड़ा है, जग्गू भैया नहीं। आज अपन तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, चलो मेरे साथ। बताओ सोना कहाँ है, वरना दोनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। हमें नहीं मालूम, फेंक दो इन्हें आग में, तब बताएंगे। अगर जिंदगी से थोड़ा भी प्यार है तो बता दो सोना कहाँ है। सोना हमारे पास है, इनके पास नहीं है। भाई चुप, ये कौन है और इसे कहां से पकड़ के लाया तुम? वांग और सांग की घर से। बाकी हम बोलता है, हमारा नाम मंचू है, पहले सोना देखो फिर बात करेगा। भूषण, ट्रंक खोलो। पहले हमारा आदमी हमको दो, फिर सोना मिलेगा तुमको। ये दोनों तुम्हारे आदमी कैसे? वांग और सांग हमारा भतीजा लोग है, हमारा भाई का निशानी। इन बदमाशों ने उनको पुलिस से मरवा दिया, अब उनको मारेगा, छोड़ेगा नहीं। खोल दो इन्हें। खोलो। आप सोना दोगे? तुम कालीचरण साहब है? नहीं। तो तुमको सोना नहीं मिलेगा। क्यों? हमारा भतीजा कालीचरण का नमक खाया, अगर हम उसको धोखा देगा तो हम नरक में जाएगा। लाओ सोना मुझे दो, मैं हूं कालीचरण। कालीचरण, मेरे माता पिता का कातिल! अरे नहीं साहब, ये मर जाएगा तो हम भी मर जाएगा। अगर रोशनी के पिता से नहीं पता चलता तो मेरा सपना अधूरा रह जाता। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सोने संभालो, हम इसको संभालता है। मैं सांप का सर कुचल दूंगा। अरे नहीं साहब, हम इसका सर नहीं, हम इसका सर बहुत कुचल देगा। हमको इससे मूर्ति लेने का है। मूर्ति? कौन सी मूर्ति? अभी बताता हूँ। ये मूर्ति इनके पास कैसे हो सकती है? एक मूर्ति हमारे पास है, दूसरी पुलिस के पास, तीसरी कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। असली मूर्ति ना तुम्हारे पास है ना पुलिस के पास है, एक हमारे पास है और दूसरी इनके पास है। हम अपनी आंखों से इसका मूर्ति देखा, उसका फोटो खींचा और फिर उसको 2 लाख एडवांस भी दिया। बोलो बोलो बोलो, मूर्ति तुम्हारे पास है कि नहीं? नहीं है। कहाँ है? नहीं बताता। बता दो, नहीं तो हम तुम्हारा उंगली काट देगा, टंगली तोड़ डालेगा। नहीं नहीं नहीं, हमारी टांगे मत तोड़िए, टांगे मत तोड़िए हमारी। मैं आपको बताता हूँ, बंबई में काली गुफा है ना, वहां तीसरे खंबे के नीचे मैंने छुपाई हुई है। सच? अभी सच बोल रहा। तो हम हमारा दोनों कबूतर को संभालो, हम अपनी मूर्ति लेकर आता है, फिर भतीजे का बदला बाद में लेगा। नो नो मिस्टर वांचू, आप यहीं ठहरिए, हम अपने 2 आदमियों को भेजकर मूर्ति मंगवा लेते हैं। अभी समझा, तुम बड़ा ट्यूनिंग वाला आदमी है, हमारा मूर्ति अपना मूर्ति से मिलाना चाहता है तुम्हें। पैंथर, फौरन अपने 2 आदमियों को भेजकर मूर्ति लाने का इंतजाम करो। इन दोनों को सेल में बंद कर दो। आसमान से गिरे खजूर पर लटके, आग से निकले कोठड़ी में अटके, अब क्या होगा भाई रलाल? हेलो हेलो इंस्पेक्टर चुन। हेलो हेलो, यस सर। मैंने यहाँ की सब जगह देख ली है। तुम सिपाहियों को लेकर फौरन लाल टेकरी को घेर लो और मेरे हुक्म का इंतजार करो।
ओ मिस्टर वांचू, आप हमारा मेहमान होकर हमारा इंसल्ट नहीं कर सकता। हम समझा नहीं। अरे हम आपको दावत दिया, आप अपना शराब कैसे पिएगा? हमारा देश, हमारा चुनी औरत और हमारा चुनी शराब। हाँ हमारा देश, दूसरे का औरत, दूसरे का शराब। आओ हमारे साथ। ये तो हमको शूट करता है। हाँ हाँ आओ, हमको भी शूट करता है। आंखों की तरह ना ये है क्या नजर।
वांचू ने हमारा करोड़ों का सोना ढूंढ निकाला तो हमने भी उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया। हाँ, हमने भी बदले में उसे एक ऐसी सुनहरी नागिन दी है जिसके कांटे का कोई मंत्र नहीं हो सकता। लो, चीयर्स। तेरी माँ कैसी है? आपसे अलग रहकर भी वो हर रोज आपको याद करती है। यहाँ से जल्दी चलिए पापा, जग्गू भैया ने टाइम बम लगा दिए होंगे, थोड़ी देर में जगह खंडर बन जाएगी। टाइम बम? और हीरा पन्ना को तो इन लोगों ने कैद करके रखा है। हीरा पन्ना यहाँ है? नहीं, मैं उनके बगैर नहीं जा सकती पापा। मैं जग्गू भैया से कहती हूँ कि वो टाइम बम हटा दे। जल्दी चलिए पापा। अब तुम्हारा जग्गू भैया इस काबिल नहीं रहा कि तुम्हारी कोई मदद कर सके। आओ देखो। नहीं, नहीं, नहीं। कमिश्नर, फौरन अपने इंस्पेक्टर को ऑर्डर दो कि वो सिपाहियों को लेकर अड्डे पे आ जाए ताकि हमारे रास्ते में कोई रुकावट न रहे, और जो बॉम्ब हमारी तबाही के लिए रखे गए हैं वो खुद ही उनका शिकार बन जाए। ये नहीं होगा। अब तो वही होगा कमिश्नर जो हम चाहेंगे। अगर तुम्हारी बेटी यहाँ ना आती तो हो सकता है कि हम तुम्हारे बिछाए हुए जाल में फंस जाते। बेहतर यही है कि अब तुम अपने आदमियों को यहाँ बुलवा लो। नहीं, मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलाऊंगा। बुलाना तो आपको पड़ेगा ही कमिश्नर साहब, अब नहीं तो थोड़ी देर के बाद, जब आपकी साहेबजादी के ये रंगीन नाखून इन खूबसूरत उंगलियों से। नहीं पापा नहीं, मुझे कुछ भी हो जाने दो, लेकिन मैं उन बेगुनाह सिपाहियों की जिंदगी से नहीं खेलना चाहती। सर, सभी मूर्तियां पैक करवा कर चौथे दरवाजे से बाहर भेज दी गई हैं। गुड कमिश्नर, अगर तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा अपना फर्ज प्यारा है तो मुझे कोई इतराज नहीं। भूषण, इसे ले जाकर तहखाने में बंद करवा दो। हेलो इंस्पेक्टर अर्जुन, तुम इसी वक्त अपने सिपाहियों को लेकर फौरन अड्डे पर पहुंच जाओ। क्विक। यस सर, ओवर। चार्ज, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ऐसी भी क्या जल्दी है, पहले हमारा काम हो जाने दो, फिर हम तुम्हें पन्ना से मिला देंगे। हीरा, तब मैं भाग जाते।
चल हीरा चल भाग चलते। नहीं बन्ना नहीं, मैं कालीचरण को नहीं छोड़ूंगा। उसकी आखिरी सांस मेरे माता पिता के बदले के खून से निकलेगी। चल बन्ना चल। जी मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ। लेकिन लेकिन यहाँ तो कोई केस नहीं हुआ। हुआ नहीं, होने वाला है। बाहर कमिश्नर पुलिस आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा? Yes, sir. What can I do for you? इन्हें आप पहचानते हैं? मैंने इन्हें अपना कार्ड दिखा दिया है। आप जल्दी से हुक्म दीजिए वरना जो ये कहते हैं वो करो। स्टेशन मास्टर साहब। Yes, sir. जो ट्रेन आ रही है उसमें हमारे लिए आप एक डब्बा खाली करवा। बहुत अच्छा सर। लेकिन उसमें और कोई मुसाफिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लड़कियां एक बहुत ही खतरनाक गैंग की लड़कियां हैं। क्या बात कर रहे हैं साहब, यकीन नहीं आता। देखने में लक्ष्मी और सरस्वती, काम में पुतली भाई। आप धोखा खा रहे हैं। इन मासूम सूरतों को देखकर तो कोई भी धोखा खा जाएगा कमिश्नर साहब। और हाँ, हमारा ये सारा सामान ब्रेक में जाएगा और गाड़ी के हर डब्बे में हमारे दो गार्ड रहेंगे। ये हमारा ऑर्डर है। शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर हमारे जिन आदमियों ने मोर्चा बंदी करके रखी है उनको होशियार कर दो, ताकि मुल्जिम भाग नहीं सके। वहाँ से तो वो किसी भी हालत में नहीं भाग सकते सर, बस एक ही डर है कहीं वो ट्रेन से ना निकल जाए। ट्रेन? ओह माय गॉड। सारा सामान लोड हो गया? यस सर। अब आप गाड़ी चलने का हुक्म दीजिए और कमिश्नर साहब को आराम से डब्बे में बिठा दीजिए। जी बहुत अच्छा। सब ठीक है? यस सर। पैंथर आ गया? उसी के हवाले तो कमिश्नर साहब करके आया हूँ। ठीक है, अब चलने का इंतजाम करो। और कोई हुक्म सर? अरे स्टेशन मास्टर साहब, हम तो आपकी अकलमंदी और काबिलियत के बहुत कायल हो गए। ये लीजिए, ये हमारा रिकमेंडेशन लेटर है। इसको पढ़ने के बाद आप कहाँ से कहाँ हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मेरे 6 बच्चे हैं। फिक्र न कीजिए, इसके बाद नहीं रहेंगे। ये गाड़ी हमारे कब्जे में है, हर डब्बे में हमारे आदमी मौजूद हैं। किसी भी स्टेशन पर रोकने की कोशिश की गई तो एक भी मुसाफिर नहीं बचेगा। नहीं नहीं, बदमाशों ने गाड़ी अपने कब्जे में कर ली है और धमकी दी है कि मार मां गोवा तक अगर किसी ने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो एक भी मुसाफिर जिंदा नहीं बचेगा। गोवा के हर पुलिस स्टेशन को खबर कर दो, हमको जल्द से जल्द मालवा स्टेशन पहुंचना चाहिए। Hello, जल्दी जल्दी। हेलो हरिया। ओह माय गॉड, लक्ष्मण 32 डाउन को थ्रू सिग्नल दो, गाड़ी हाईजैक हो गई है। क्या? नो नो, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, गाड़ी हाईजैक हो गई है। इस ट्रेन का वैक्यूम ब्रेक खराब कर दो ताकि अगर कोई चेन खींचे तो गाड़ी न रुक सके। मैं इंजन रूम में जा रहा हूं। ये गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। लेकिन क्यों नहीं रुकेगी, मेरा बच्चा सख्त बीमार है। अगर ज्यादा बीमार है तो मर जाएगा। चलो, ये क्या मजाक है, चैन क्यों नहीं खींचते, चैन खींचो। इस बुड्ढे की अभी हमें जरूरत है। यह हथकड़ियां नाजुक कलाइयों से उतार दो। आराम खोर, हाथ हटा ले वरना मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। शट अप।
अकड़े बनाते से। कितने अच्छे लग रहे कमिश्नर साहब इन अटकड़ियों में। लेकिन अब ये सफर किस तरह पास होगा कुछ समझ में नहीं आता। कमीने कुत्ते, तुझे ये सफर महंगा पड़ेगा। देख देख पन्ना, गाड़ी आ रही है। मैं पुल पर जाता हूँ, नीचे जाकर गाड़ी पकड़ लूंगा और तू यहाँ से छत पर कूद जाना। नहीं हीरा, नहीं, गाड़ी को नीचे से पकड़ना मौत से खेलना है। तू यही रहे। देख पन्ना, अगर हम दोनों में से कोई गाड़ी की छत पर नहीं कूद पाया तो गाड़ी निकल जाएगी और कमिश्नर साहब के साथ सब मुसाफिर जाने भी जाएंगे। लेकिन हीरा, जिद मत कर पन्ना। अगर गाड़ी निकल गई तो मैं अपने माता पिता के खातिर कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। सुन हीरा, सुन, अपने साथ मेरी माँ का ये लॉकर ले जा। गणेश जी तेरी रक्षा करेंगे। और तू मेरी फिक्र मत कर, मेरे साथ मेरे भगवान। उस दिन तकदीर ने तुझे मेरे हाथों बचा लिया था, लेकिन आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पन्ना, ये पन्ना का लॉकेट है। ये क्या पन्ना जिंदा है? क्यों? ये लॉकेट मेरी पत्नी का है। क्या? मेरे माता पिता का कातिल पन्ना का बाप? देख क्या रहा हीरा, मार दे इस खूनी को, फेंक दे आग में। नहीं पन्ना। बेटा, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों, क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि तुम्हें दिए हुए वचन के जाल में मैं खुद ही फंस गया हूँ। कैसा वचन? तुम्हारे पिता को ढूंढ के तुम्हारे सामने लाने का वचन दिया था ना मैंने। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी रगों में इतना गंदा खून नहीं हो सकता। कह दे हीरा, कह दे ये झूठ है। ये हकीकत है मेरे भाई, मेरे माता पिता का कातिल ही तुम्हारा बाप है। अगर ये हकीकत है हीरा, तो ये भी सच है कि मैंने भी तुम्हें एक वचन दिया था। तुम मजबूर हो सकते हो, मैं नहीं। ये ले पिस्तौल और इसकी आंखों के सामने मुझे गोली मार दे, ताकि जिस तरह तू आज तक अपने माता पिता के बिना तड़पता रहा, ये हत्यारा भी तड़प तड़प के मर जाए। तुझे मेरी सौगंध हीरा, चला गोली। नहीं, तो उसके लिए जान दे सकता हूं, जान ले नहीं सकता। तुम्हें मारना, खुद को मारना होगा। हीरा, पन्ना, हीरा, बेटा, पन्ना, तुम गाड़ी रोकने की कोशिश करो, मैं रूबी नीलम को देखता हूं। हीरा, संभाल के। पन्ना, हीरा, हीरा, संभाल के। पन्ना, इंस्पेक्टर, रिवॉल्वर फेंक दे वरना उस दिन को रोएगा जब पुलिस में भर्ती हुआ था तू। भैया मुझे मर जा रहा, लेकिन गाड़ी को रोक लो भैया। भैया चलाओ गोली भैया। हाँ हाँ चलाओ गोली इंस्पेक्टर, तुम्हारी इस गलती से शायद मैं बच जाऊं, लेकिन ना तो इस गाड़ी में कोई आदमी बचेगा और ना ही तुम्हारा पुलिस कमिश्नर। Thank you.
मेरी मूर्तियां you
धर्म से कहता हूँ साहब, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम क्या बच्चे, आज गणेशपुरी के मंदिर में मेला है, हजारों आदमी वहाँ होंगे। ओहो, इस ट्रेन को कोई नहीं बचा सकता है, 20 मील का फासला और 20 मिनट, और हजारों आदमी। हाँ हाँ, गणेशपुरी की चौकी में टेलीफोन करो और बोलो मंदिर के सामने से सब जातियों को हटा दे। जी बाबा, चलो जल्दी करो। हेलो हेलो, साहब इस गाड़ी को बचा लीजिए। अरे भाई, आप इस गाड़ी को भगवान नहीं बचा सकता है, जान तो छोड़ो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? अगर तो पत्थर नहीं भगवान है तो उन मासूमों को मरने से बचा ले। पन्ना ने तो दिन रात तेरी पूजा की, हर पल तुझे याद किया। दुश्मन तो मैं तेरा हूँ, मैंने तुझे कभी नहीं माना। अगर तुझे उन सबकी जान ही चाहिए तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मेरी जान ले ले, उन सबको बचा ले। भाई हीरा लाल, हाँ भाई पन्ना लाल।